टाइम्स नासरीन आपको बताते चले कि इस टाइम हम मौजूद हैं अमाविया कलोनी फाटक पे। यहाँ पे अयूब नामी भिखारी जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ बनाता नजर आ रहा था, ऐसे टाइम्स ने किया बेनकाब और उसको बाजू भी दिलवा दिए। जानते हैं उसकी जुबानी कि उसने क्यों ये धंधा शुरू किया नशा करने के लिए, या इसके पीछे क्या रीजन है जो उसको यही काम मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्यों ये प्रोफेशन इसको शोभा बना लिया कि आप काफी 5-10 साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हलाल की मजबूरी से, घर वालों की ज्यादतियों से। घर वालों की ज्यादतियाँ ये नहीं कहती कि आप ये वाला प्रोफेशन चूज करें? नहीं, वो तो नहीं कहते, मगर मेरी तो मजबूरी बन गई है ना, बच्चों को पालना है। आप हट्टे कट्टे इंसान है, एक अच्छे भले इंसान है, खाते पीते सेहतमंद तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, तो आप काम क्यों नहीं करते? काम के लिए मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सारा नुकसान। घर वालों का तो ये बहाना है क्योंकि ये काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी अच्छी दिहाड़ी लगती है रोज जो ये काम करते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या स्टोरी है इसके पीछे जो आपकी मजबूरियां है? कभी ये बहाना लगाते हैं कि आईडी कार्ड मैंने बनवाना है, तो कभी कुछ बहाना लगाते हैं कि मैंने किसी का कर्जा अदा करना है। बताएं आप क्या स्टोरी है इसके पीछे आपकी? स्टोरी नासरीन उनके पास अल्फाज नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई सच्ची कहानी ही नहीं है। अभी आप बताएं, बाजू दिखाएं, ये देखिए नासरीन, ये इस तरह से दिखाया गया है, मजदूर बन के लोगों को लूटने का धंधा शुरू किया इन्होंने। अभी दिखाएं आप बाजू निकाल के कि आपके बाजू, आप सही सलामत एक सेहतमंद आदमी है। नाज़रीन ये देखें, इसके हाथ सही सलामत हैं और धंधा कर रहे हैं, एक प्रोफेशन इन्होंने बना लिया है जो जिससे ये अपना घर का काम चलाते हैं और सारी चीजें पूरे करते हैं। ऐसे टाइम्स ने किया इनको बेनकाब, इसी तरह और भी मजीद लोगों तक हम पहुंचेंगे और करेंगे हर एक को बेनकाब। जुड़े रहिए ऐसे टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।